ये बड़े बड़े विंडमिल्स, बॉर्डर पिलर 638 इंडिया, रामगढ़ टीवी टावर, एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है वो। यही टैंक है और यही इसी जगह पे उन्होंने इस टैंक के ऊपर डांस किया था। 3000 आर्टिलरी शेल फायर किए और उसमें से उस मंदिर के आसपास उस तनोट की बाउंड्री में जो भी शेल गिरा वो एक भी नहीं फटा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है दूसरा दिन और आज हम यहाँ अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, 8:30 के आसपास का टाइम हो गया है। सो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं लोंगेवाला की तरफ। लोंगेवाला वही जगह है जहाँ 1971 में इंडो पाक वॉर हुई थी। वॉर की पूरी हिस्ट्री हम आपको रास्ते में बताएंगे। ये प्रॉपर्टी है जहाँ हम रुके हुए थे, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छा खाना है, एमिनिटीज सब कुछ है। अब हम यहाँ से चेकआउट करते हैं और मिलते हैं रोड पे। अब हम निकल चुके हैं लोंगेवाला के लिए और रास्ते में है जैसलमेर सिटी, अभी क्रॉस करेंगे हम। पूरा ये बहुत डेंस मिलिट्री एरिया है, बहुत प्रेजेंस है यहाँ मिलिट्री की। तो दोस्तों यहाँ हम रुके हुए हैं बीच में ऐसे ही विंड मिल्स को देखने के लिए। हाईवे, ये रोड जो है बीआरओ का रोड है, बहुत अच्छा बना दिया है। पिछली बार जब हम आए थे उससे 100 की स्पीड पे गाड़ी यहाँ से क्रॉस करती है आराम से। ये बड़े बड़े विंड मिल्स, दोस्तों अब हम रामगढ़ पहुंचने वाले हैं। सामने आपको जो लंबा सा पोल दिखाई दे रहा है वो टीवी टावर है, रामगढ़ टीवी टावर, एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है वो। तो यहाँ रामगढ़ में है और रामगढ़ से अगर आप सीधे चले जाएंगे तो तनोट माता मंदिर चले जाएंगे और लेफ्ट में अगर कट जाएंगे तो वो लोंगेवाला चला जाएगा। तो हम पहले लोंगेवाला जा रहे हैं, और तो हम सर्किट भी पूरा कर सकते हैं, लाइक यहाँ से पहले तनोट जाके और फिर लोंगेवाला जाके और फिर सामने सैंड ड्यून्स भी जा सकते हैं, बट लोंगेवाला में काफी रश हो जाता है दोपहर में, तो इसलिए हम पहले लोंगेवाला कवर करेंगे एंड फिर हम तनोट जाएंगे। तो इस ये जो रोड है रामगढ़ जैसलमेर रामगढ़ और रामगढ़ से लोंगेवाला रोड, इसकी एक स्टोरी है 1971 वॉर की। तो जब पाकिस्तान ने रात को अटैक कर दिया था तो हमारे सिर्फ 120 सोल्जर्स थे और उन्हें भी ऑर्डर दे दिया गया था कि आप पीछे हट जाओ, लेकिन उन सोल्जर्स ने बोला कि हम पीछे नहीं हटेंगे और फाइट करेंगे। तो पाकिस्तान के 2000 ट्रूप्स, 500-600 अदर व्हीकल्स, 65 टैंक्स और बहुत बड़ी एक बटालियन आई थी हमला करने, और उनका मोटिव था कि हम दिल्ली तक जाएंगे। इतना वो साजो सामान और चीजें लेकर आए थे अपनी कि उन्हें दिल्ली तक जाना था, लेकिन वो यहाँ लोंगेवाला में उनका पहला सामना हुआ इंडियन आर्मी से। तो सुबह जब हो गई तो सुबह तक तो ये था कि वो लोग जैसलमेर तो पहुंच ही गए होंगे। तो जो पहले दो एयरक्राफ्ट जैसलमेर से उड़े सुबह सुबह, हंटर एयरक्राफ्ट जो रात को नहीं लड़ सकते थे, तो वो पहले जैसलमेर के आसपास ढूंढ रहे थे कि टैंक्स यहाँ तक पहुंच गए होंगे तो हमें यहीं लड़ना पड़ेगा। फिर जब उन्हें वो टैंक्स वहां नहीं मिले तो वो रामगढ़ इसी रामगढ़ रोड के ऊपर उड़ते उड़ते रामगढ़ तक आए टैंक्स को ढूंढते हुए। उस टाइम नेविगेशन और प्लेन्स में इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं होते थे, तो वो रोड्स को ही फॉलो करके उड़ रहे थे इसी रोड के ऊपर। फिर वो रामगढ़ तक आए तो यहाँ भी पूरी शांति थी और यहाँ भी कोई टैंक नहीं पहुंचा था पाकिस्तान का। तो उन्हें काफी सरप्राइज हुआ कि फिर चले कहाँ गए वो टैंक, क्योंकि 120 लोग तो असंभव था उन्हें रोकना। फिर वो यहाँ से जब हम लेफ्ट लेंगे तो उन्होंने भी उस रोड के ऊपर से एयरक्राफ्ट ने लेफ्ट लिया और लोंगेवाला तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि आर्मी ने यहीं पर रोका हुआ है पूरी रात से उन टैंक्स को और बहुत सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। फिर बैक टू बैक इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाइट्स की उस पूरा दिन और नेक्स्ट डे भी, और उन दो दिन के पूरे ऑपरेशन में कुल 35 टैंक्स को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स ने डिस्ट्रॉय किया। और ये रिकॉर्ड आज भी इंडियन एयरफोर्स के पास है कि लोएस्ट फ्लाई करते हुए 20-25-30 फीट तक फ्लाई करते हुए टैंक्स को निशाना बनाया और उनको डिस्ट्रॉय किया। तो ये अब हम पहुंच गए हैं रामगढ़, रामगढ़
छोटा सा कस्बा है, ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है ये, लास्ट एरिया है इंडिया का जहाँ पे रिहाइश है। यहीं तक आपको नेटवर्क मिलेगा, मोबाइल नेटवर्क। इससे आगे आपको सिर्फ जियो का नेटवर्क आएगा, वो भी सिर्फ बॉर्डर एरियाज में, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिहाइश है वहीं पे, बाकी कहीं पे नेटवर्क नहीं आएगा। और अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे, जहाँ से उन प्लेन्स ने भी लेफ्ट टर्न किया था, और यहाँ से 43 किलोमीटर है लोंगे वाला द बैटल। जंप करा गाड़ी ने लगा लिटरली। देखो दोस्तों, ये है असली डेजर्ट, दूर दूर तक कहीं पर भी कुछ नहीं है, और रियली ऐसा लग रहा है वेगस है ये, बट ये वेगस नहीं है, ये है हमारा भारत। पहली बार इस रोड पे 2019 में आया था, तब ये रोड ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और अब बहुत शानदार रोड। सो गाइस, वी हैव रीच्ड लोंगेवाला बैटलफील्ड, और यहाँ पे ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमें एंट्री करानी पड़ती है, एक आईडी चाहिए रहता है उसके लिए। ये हम पहुंच चुके हैं लोंगे वाला द बैटलफील्ड, ऑलरेडी कुछ गाड़ियां तो यहाँ हैं ही, और हम भी पहुंच गए हैं। योर डेस्टिनेशन इज ऑल, तो ये है लोंगे वाला युद्ध स्थल, पहुंच गए हम। ये सामने जो है ये एक बंकर है, जिसको अब लोंगे वाला ऑडियो विजुअल थिएटर बोलते हैं, यहाँ पे एक मूवी दिखाई जाती है छोटी सी, वो जरूर देखें, यहाँ आए तो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। यह है RCL जीप, मतलब जीप है जिसपे RCL गन लगी हुई है, और ये टैंक है पाकिस्तान का जो कैप्चर किया था वॉर में भारत ने। यहाँ पे वी ड्रू अ लाइन इन ब्लड अक्रॉस द डेजर्ट, अ लाइन द एनिमी डेयर नॉट क्रॉस। तो यहाँ पे सिर्फ 120 भारतीय सैनिक पंजाब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमांड में, उन्होंने फाइट किया था 1971 में पाकिस्तान के 2000 से ज़्यादा सैनिक, 65 ऐसे टैंक्स और 500 से ज़्यादा अदर व्हीकल्स, और हमारे पास थे सिर्फ 120 जवान और दो वो RCL वाली जीप्स। दोनों यहाँ खड़ी हैं, एक वहाँ खड़ी है और एक अगर आप देखेंगे तो वहाँ खड़ी है, यही दोनों जीप्स थी बस। और उससे हमने, हमारी सेना ने पूरी तरह से पाकिस्तान को रोका, ना सिर्फ रोको, दिल्ली तक जाने का सपना लेके आए थे। उनका कहना था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे, और रात का दिल्ली में, और वो लोंगे वाला क्रॉस नहीं कर पाए। ये है सबूत। तो दोस्तों, ये है भांजा मेरा नीव, और ये है मेरी सिस्टर नेहा, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में शिफ्टेड है अब, और ये आए हुए हैं घूमने जैसलमेर, तो हम इनको घुमा रहे हैं। तो नेहा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई थिंक एवरी इंडियन शुड विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। ये यहाँ पे एक म्यूजियम है, वाटर बॉटल्स हैं जो यूज हुई थी, इलेक्ट्रिक लालटेन्स, कंपासेस, 23 पंजाब के ट्रूप्स, ये वो कहानी है पूरी जो मैंने आपको बताई अभी, 23 पंजाब की अल्फा कंपनी, 120 बहादुर जवान, पाकिस्तान के 2068 टैंक, बायनोकुलर्स, हेलमेट। ये है लेफ्टिनेंट धर्मवीर द्वारा यूज किया गया पोर्टेबल रेडियो सेट, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर। ये है एंटी टैंक माइंस जो इंडिया ने बिछाई थी वहां पे, इसकी भी एक अच्छी कहानी है, अभी जब मेन बैटलफील्ड में जाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको।
ये देखिए क्या हैवी शेल्स हैं, एंटी टैंक राउंड्स, हैवी गन, आरपीजीज, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, ये पूरा बैटलफील्ड का मैप है। यहाँ से पाकिस्तानी कैसे आए थे और वहाँ पे एंटी टैंक माइंस और माइनफील्ड इंडिया ने बिछाई थी, उस जगह पर हम अभी जाएंगे। और वो जो पूरे बैरक्स बने हुए हैं जैसे ही, वो जगह पर हम अभी जाएंगे। और ये जो एक आधा टैंक है वहाँ पे अभी भी टूटा हुआ पड़ा हुआ है। ये बॉर्डर कैफे भी है यहाँ पे, आई लव इंडियन आर्मी एंड आई रियली लव इंडियन आर्मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब एमिनेशन के बॉक्सेस हैं, इनमें लिखा हुआ है 130 mm, 7.5 mm की बुलेट्स, टैंक के शेल सब इसी में आता है। दोस्तों ये है बॉर्डर पिलर 638 इंडिया और बॉर्डर पिलर 638 पाकिस्तान। इस बॉर्डर पिलर को पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर से उखाड़ के ले आई थी और उन्होंने कहा था कि इसको हम जाके जोधपुर या दिल्ली में लगाएंगे और वहाँ तक पाकिस्तान की बॉर्डर बनाएंगे, लेकिन वो यहाँ से आगे नहीं ले जा सके। इनफैक्ट जो एक्चुअल बॉर्डर था यहाँ से 12-15 किलोमीटर, वो अब 17 किलोमीटर हो गया है। इंडिया ने ही कुछ कैप्चर कर लिया 1971 की वॉर में और ये बॉर्डर पिलर तब से यहाँ लगाया गया है। ये है वॉर मेमोरियल जैसलमेर, जय जवान लीस्ट वी फॉरगेट फॉर द फॉलन। ये है आरसीएल गन हंटर, हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट। तो यहाँ से रास्ता जाता है बैटलफील्ड में, ये भी बैटलफील्ड का ही हिस्सा है बट यहाँ पे ये एग्जीबिशन सी है जहाँ पर ये टैंक्स हैं। आपने वो फोटो देखी होगी जो 23 पंजाब के सैनिक टैंक के ऊपर डांस कर रहे हो, यही टैंक है और यही इसी जगह पे उन्होंने इस टैंक के ऊपर डांस किया था जीतने के बाद। When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today. ये जो आप वो रास्ता देख रहे हैं यहीं पर खुदाई करके वो रास्ता था जहाँ पे भारतीय सैनिक बैठे हुए थे, यहाँ पे भारतीय सैनिक थे, ये हमारी पोस्ट है। और इतना नज़दीक, कम 30-40 मीटर का डिस्टेंस होगा, ये पाकिस्तानी गाड़ी है, ट्रक डिस्ट्रॉयड, वो पाकिस्तानी टैंक डिस्ट्रॉयड है, 30-40 मीटर का डिफरेंस होगा। यहाँ तक इतने पास तक आ गए थे तो हर थोड़ी दूर में एक ये बंकर होता है जिसे सेक्शन डिफेंडेंट पोस्ट बोलते हैं, इसको आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ ही है, ये गन पोस्ट होती है, इसकी दीवार इतनी मोटी होती है कि बुलेट ना आ पाए और वो सामने ही आपको डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी व्हीकल दिख रहा है। ये है वो ट्रेंच, ये है लांस नायक मथुरा दास की आरसीएल गन, इस गन से 2 से 3 टैंक डिस्ट्रॉय किए थे। तो ये है पाकिस्तानी डिस्ट्रॉय टैंक। अब इसकी भी एक और दिलचस्प कहानी है, ये टैंक का आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि ऐसे ही नॉर्मल शेल से या नॉर्मल रॉकेट से इसको कुछ नहीं होता था। तो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स को वो रॉकेट का वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए 25-30 feet की हाइट पर उड़ान भर के निशाना लगाना पड़ा, उतनी स्पीड में और निशाना लगाना सही। और सैंड ड्यून्स के अंदर जहाँ पे ऊंचे नीचे रेत के टीवे हैं, 20-30 feet की ऊंचाई पे उड़ना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है आज तक इंडियन एयरफोर्स के नाम। यहाँ से आगे है पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ से यहाँ तक ही आए थे और बस फिर भाग गए वापस। तो दोस्तों ये है लोंगे वाला द बैटल फील्ड, यहाँ आइए और गर्व कीजिए अपनी सेना पर, अपने देश पर। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं तनोट राय माता मंदिर पे। तो दोस्तों अब हम लोंगे वाला बैटलफील्ड से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं तनोट माता मंदिर। 37 किलोमीटर है लोंगे वाला से तनोट माता मंदिर, लगभग आधा घंटा लगेगा क्योंकि रोड बहुत ज्यादा प्यारा है। ये अब हम पहुंच गए हैं सादे वाला पोस्ट, यहाँ पे आए 65 की लड़ाई यहाँ हुई थी सादे वाला पोस्ट पे। अब इस जगह को भी पूरा डेवलप कर दिया है, हेलीपैड्स हैं, सब कुछ है, कम्युनिकेशन है। ये भी एक बहुत छोटा सा गांव है, इस गांव में आप देखो 2 ही 3 पक्की बिल्डिंगें हैं जो कि
की अभी बनी है। इस गांव में बिजली भी अभी आई है, खंबे बिल्कुल ताजा लगे हुए हैं, जो अभी गवर्नमेंट ने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का जो किया था काम, उसी योजना के तहत इस गांव में बिजली अब पहुंची आजादी के इतने साल बाद। ड्राइवर चेंज्ड। श्री मातेश्वरी तनोटराय मंदिर, यहाँ पर वो वेपन्स ये है प्राचीन कुआं, बहुत ज्यादा गहरा है। तनोटराय माता मंदिर की कहानी कहना गलत होगा, उसका जो इतिहास है, जब 65 की वॉर में पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान ने वहां पे उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि इंडियन आर्मी की टुकड़ी तनोट में रुकी हुई है, तो उन्होंने 3000 आर्टिलरी शेल फायर किए और उसमें से उस मंदिर के आसपास तनोट की बाउंड्री में जो भी शेल गिरा वो एक भी नहीं फटा और एक भी जवान को कुछ नहीं हुआ। कुछ शैल उस मंदिर में आज भी रखे हुए हैं। जंग हारने के बाद पाकिस्तानी सेना के जनरल पैदल चल के नंगे पांव बॉर्डर से उस मंदिर में विजिट करने आए थे, ये देखने के लिए कि हम क्यों हारे। हम जा रहे हैं सैम सैंड ड्यून्स, या कुछ लोग इसे सम बोलते हैं। यहां से 160 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। रोड यही है, बिल्कुल सीधा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये रोड सीधा सम सैंड ड्यून्स ले जाएगा। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब आप आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे टेंट सिटी जिसमें हम रुक रहे हैं और वहाँ पे जो भी नाइट में राजस्थानी कल्चरल इवेंट्स वगैरह हैं वो सब, और वापस हमारी जो जर्नी है जैसलमेर से बीकानेर होते हुए दिल्ली की, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।